नई दिल्ली से तरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं और क्या आ सकता है इस बजट में? बिल्कुल दीपांशु, मैं बताना चाहूंगा कि बजट में जो सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है फिस्कल डेफिशिएट के बाद, वो होता है कि प्राइवेटाइजेशन किन कंपनीज का होने वाला है, और उसके लिए दीपम पे नजर रहती है, दीपम का रेवेन्यू टारगेट क्या होगा। तो जो हमारी सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि इस बार जो दीपम का रेवेन्यू टारगेट होगा वो 65,000 से कम होगा, और करीबन 40,000 से 45,000 का टारगेट सरकार रख सकती है दीपम के रेवेन्यू टारगेट के लिए, बजट एक्सपेक्टेशन के लिए। इसका रीजन भी साफ है, क्योंकि इस साल कोई बड़े ऐलान सरकार नहीं करेगी किसी भी सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन के। जो भी ऑलरेडी अनाउंस है या जो पाइपलाइन में है वो ही इस साल पूरी किए जाएंगे। पाइपलाइन में जैसे कि IDBI का डिस इन्वेस्टमेंट है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, RINL है, NINL की बिड्स है, तो ये ही इस साल को पूरा करने का उद्देश्य रखा जाएगा। और एक जो 2021-22 के बजट में जो ऐलान किया गया था कि दो बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करना है, सरकार चाह रही है, नीति आयोग की भी रिकमेंडेशन थी कि बैंकों का और दो इंश्योरेंस कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन किया जाए, तो वो भी इस बजट में हो पा, इस साल या ये कहें कि इस बजट के अंदर पहले उनको बिल लेकर आना था, वो बिल भी इस बजट में लेकर आ पाना काफी मुश्किल है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जब जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन है वो 2024 के बाद ही सरकार सोचेगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, तो उस बीच सरकार जो है वो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन और इंश्योरेंस के प्राइवेटाइजेशन पे विचार नहीं कर रही है। अब जो होगा वो 2024 के बाद होगा, लेकिन जो दीपम का टारगेट है उसको कम किया जाएगा, 40,000 से 45,000 करोड़ के आसपास ही दीपम का टारगेट रखा जाएगा, जिसमें से यदि हम देखें तो IDBI एक बड़ा चंक होगा, या RINL, NINL ये एक बड़े चंक होंगे जो दीपम के टारगेट को पूरा करने में को हेल्प करेंगे। डाइवेस्टमेंट टारगेट इस बार आने वाला है सरकार की तरफ से, और IDBI पर रखिए नजर, वहां पर तो हमने खबरें भी देखी हैं, EOIs आना शुरू हो गए हैं और साथ ही कुछ और छोटे मोटे डाइवेस्टमेंट्स, बट कुल मिलाकर थोड़ा एक रियलिस्टिक टारगेट सरकार की तरफ से आ रहा है डाइवेस्टमेंट पर। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, ये खास एक्सक्लूसिव खबर हमारे साथ शेयर।